हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम। तो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम, फिर एसएससी सीएचएस का एग्जाम है 10 जुलाई को वाला, सवा 5 से 6 बजे तक। फोर शिफ्ट का एग्जाम और ये शिफ्ट में हमको देखने वाले हो मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल एबीसी है, बोला कि बी इतना है, बी सी इतना है, सी इतना। तो जैसे आप इनको सोल्व करें देखोगे कि इनका पाइथागोरस तो आप लगाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिखाई देते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लो। अब राइट एंगल कहाँ बनेगा? राइट एंगल आपका इस सी पे तो बनेगा नहीं, बाकी ए और बी पे कहीं पर भी बन सकता है। तो मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी। ए सी दो है, ए भी आपका √3 ही आपका 1 है। तो ये एंगल बताना। तो ये क्या इसका बेस है, ये क्या इसका परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप किसे कहते हैं? कोट थीटा को बोलते हैं। तो 1/√3 कोट थीटा कहाँ देगा? 1/√3 कोट थीटा 60 डिग्री पर देगा। तो 60 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। तो बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वर्टेक्स एंगल जो है 4 टाइम्स द सम ऑफ बेस एंगल्स। ठीक है। जो इसका वर्टेक्स एंगल है वो 4 गुना है किससे? उसके बेस के एंगल से 4 गुना है। तो मीटर ऑफ स्क्वायर रूट्स बताने, वर्टेक्स एंगल का क्या होगा? देखो ये साइड दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब बेस एंगल एक्स है, ये भी आपका एक्स हो। ठीक है। या फिर आप ये कह दो ये 1 है, ये भी आपका कितना है? 1 है। तो यहाँ पर ये 4 गुना होते हैं। ठीक है। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6x की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 180 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो 4x की वैल्यू हमें चाहिए, तो पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए कितना आया, 30 आया। ठीक। तो 4 गुना 30 कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। ओके सॉरी भाई, यहाँ पर बोला गया सम ऑफ बेस एंगल। तो सम ऑफ बेस कितना? 2 हो गया, तो ये आपका 8 हो गया। तो मतलब टोटल हो गया 10x 10x। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। तो हमने क्या निकालना है? 8x का स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक्स की वैल्यू 18, तो 18 गुना 8 आपके कितना हो गया? 144। और 144 का रूट स्क्वायर रूट करोगे तो 12 आपके राइट आंसर दे दोगे। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। बोला कि 2 नंबर है जो कि 61% और 35% लेस है 30 नंबर से। तो फर्स्ट नंबर कितना परसेंटेज होगा सेकेंड नंबर? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर कितना है? 100 है। तो 100 को सेकंड नंबर कितना? 35% कम है, तो कितने हो गए? 61। थर्ड नंबर 61 कम है, तो कितना हो गया? देखो भाई कितना हो गया? 39 हो गया। बोला कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंटेज है? तो देख लो, 39/65 × 100 कर लो, आपका आंसर आ जाए 13 से 3 5, 5 से 1 गया 20। तो 20 दिए 60, 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोला कि रेंज रेशियो निकालना, मैथ और कंप्यूटर दोनों एक साइड एक साथ, और दूसरा जो होगा इन दोनों का एक साथ निकालना। ठीक है। चलो निकालो, कंप्यूटर और मैथ। तो 14 308, 17 462 ऐड कर लीजिए, 0 7 7 और 4 और 7 11, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? दो बाकी बचे हुए सर्किट थ्योरी और ग्राफ थ्योरी के बीच में। तो 9 9 4 8 6 4 2, चलो सम कर दो इसका, 0 4 4 8 1 9, और आपका कितना हो जाएगा? ये 9 और 6 15 10। ठीक है। तो 0 से 0 आप कट कर लीजिए, तो ये आपका ज्यादा है। ओके। तो सेकंड वाला कम है, तो कम है, तो यहाँ पर ज्यादा दे रखा गलत हो गया, यहाँ पर ज्यादा दे रखा गलत हो गया। तो यहाँ पर या तो 3 गुना या 2 गुना। तो आप देखिए 3 गुना दिखाई दे रहा मुझे, तो 10 गुना 3 करोगे 30 आ जाएगा, तो 3 गुना। तो ये सही है, गलत जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। बोला कि एक बार बॉकेट जो कंटेन करते हैं मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन 7 और 5 का। ठीक है। मिल्क वाटर 7 और 5 में। ठीक है। तो आगे देखिए, बोला कि 9 लीटर के मिल्क को वाटर में रिप्लेस कर देगा। ठीक। तो रेशियो बन जाता 7 और 9। तो मिल्क जो है बाकेट में पहले कितना था?
तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर जाना चाहिए वो आपका क्या जाना चाहिए, जो यहाँ पर ये मिल के क्वांटिटी दे रखे तो 7 की मल्टीपल मारना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर है। बाकी एक बार ट्राई जरूर करते हैं इस पर, तो आराम से रेशियो बनाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है 7x अपॉन में 5x है, ठीक है। बोला कि इसमें से हमने मिल्क को निकाल लिया 9 से और ये वाटर ऐड कर दिया, तो रेशियो कितना है 7:9। चलो ट्राई करते हैं, क्या पता अपना आंसर 36 ही आ जाए। ग्रॉस मल्टीप्लाई करो 63x माइनस 81 इज इक्वल टू 35x प्लस में 63, तो 35 को उधर भेज दीजिए तो कितना बचेगा यहाँ से, तो वही 35 गया तो 28x बचा, इधर 81 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 और 8 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो आंसर गलत अलग आ रहा है भाई, देखो 28 ठीक तो है ना। हाँ भाई ठीक है, तो भाई यहां से तो आंसर अलग ही आएगा, तो ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं का स्किप कर रहा हूँ, बाकी अगर मेरे पास कोई आ जाएगा आइडिया तो मैं जरूर बताऊंगा इसको डिस्कशन में, ठीक है। आगे चेक करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपका ब्लर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ से बता नहीं सकता, फिर भी हम चेक करते हैं। बोला कि टू एक्सपेंडिचर टू गैदर विल ऑफ एन एंगल 108, 108 कौन कौन बना सकता, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ए और ए बोला है, तो ए आपको यहाँ पर 20% दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और ए आपका ये 10% दिखाई दे रहा है, टोटल कितना हो गया 30%। 30% की वैल्यू टोटल दे रखा गया ऊपर, अच्छा 100% के बराबर है, ठीक है। अगर 100% आपका कितना है 360, तो 10% आपका कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 3 यहाँ 300 गुना किया, इधर भी 300 गुना किया तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। आगे देखो वैल्यू ऑफ के निकालिए, जो कि के की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये आपके पास इक्वेशन है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है आपका, जैसे ये आपका ए बी और सी हो जाएगा, ये आपका पूरा ए वन बी वन और सी वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ए अपॉन में ए वन इज इक्वल टू बी अपॉन में बी वन करते हैं, ठीक है। ओके करो सॉल्व, तो 5/k प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू में आपका बी क्या है के है अपॉन में 4 हो जाएगा, तो चलो सोल्व करते हैं। तो 20 इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 है, ठीक है। तो 20 कैसे बनाएगा, तो 20 आपको वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन पुट करो 2 गुना 3, 2 गुना 3 तो 6, तो यहाँ पर 4 पुट करके देखते हैं, 4 गुना 5 20 बना रहे, बिल्कुल ठीक है, 4 वैल्यू के, ठीक है। आपने कोई कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, सीधा ऑप्शन से आपको ट्राई करना है। पी किसी काम को 12 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 24 दिन में करता है, तो पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम यहाँ से 24 निकल जाएगा एलसीएम, और ये आपका 12 2 24 होता है, 24 एकम 24 होता है, ठीक है। तो टोटल काम 24 है, दोनों ने मिलकर किया 3 काम, इन दर सम कर दिया, ठीक है। 3 से कट करो 8, 8 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, डिवाइड की जगह मल्टीपल, मल्टीपल की जगह डिवाइड, प्लस अच्छा साइन चेंज करने हैं, तो 47 डिवाइड बाय 47 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया 10 गुना, गुना की जगह आपको क्या करते हैं डिवाइड। तो भाई ये क्वेश्चन तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, प्लस की जगह आप माइनस करोगे, -4 माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। सॉरी लास्ट में 6 है, करो सो 5 से गया 2 97 गुना 2 करोगे तो 94 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 9 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। 94 में -3 करोगे तो ये क्या मैं आपका राइट आंसर दे देगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कोण है ए बी और सी डी, सर्कल प्रोड्यूस करते हैं इंटरसेक्ट एक दूसरे को ईच अदर पी पॉइंट पर, ठीक है। चलो देखो, तो 2 कोण है एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं पी पॉइंट पर, ये आपका ए बी हो जाएगा एक तो, और एक आपका सी डी हो जाएगा, ठीक है। ए पी कितना कंप्लीट 7 है, ये बी पी कितना है 4.2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.8, ठीक है राइट। और पी डी कितना है, पी डी आपका 2.8,
तो सीडी आपने बताना है। चलो निकालते हैं, सीडी कंप्लीट लेंथ आपने निकालना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या होती है, भाई प्रॉपर्टी होती है ईपी, मतलब सभी एक लाइन से दोनों पी के साथ कनेक्ट करिए और मल्टीप्लाई करिए, दूसरी लाइन से पी के साथ कनेक्ट करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए पीडी, ठीक है ना। ये आपका करना है, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक। तो ऐसे करोगे 4.2, एपी कितना 2.8, बीपी कितना है 4.2, फिजिकल टू सीपी आपने निकालना है, पीडी कितना 2.8 है, 2.8 से 2.8 करो 4.2 आ गया, 4.2 आ गया, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से सीडी की जो लेंथ आएगी वो 7 आएगी, तो 14 यहाँ पर गलत आंसर दे रखा, और सभी मैच नहीं कर रहा अपना, बाकी देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी आप प्लीज खुद ट्राई करके देखें, ठीक है, ताकि क्या पता आपको अच्छा सा आइडिया निकलते। बोला कि एक नंबर को 11 से डिवाइड किया गया है, कब जब डिफरेंस जो होगा उनका सम ऑफ डिजिट इन इवन एंड ऑड पॉजिटिव नंबर क्या होना चाहिए। देखो इन्होंने बोला 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही बोल रहा है, तो या तो 0 होगा या 11 होगा, मल्टीपल ऑफ 11, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन वीडियो में मैंने इसको करवाया है, तो भाई ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी है और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि बड़ा खराब हो रखा आज की इस वीडियो में, ठीक। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, बोला कि एरिया ऑफ दो ट्रायंगल दे रखा है ये और ये, तो पी आर दे रखा है ए सी साइड, तो मतलब कि क्या होगा, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी करते हैं डिवाइड बाई ट्रायंगल पी क्यू आर करते हैं, तो इधर तो ए सी है अपन में पी आर, ये कब आएगा जब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे इधर का, तो करिए 289 डिवाइड बाई 576 का स्क्वायर रूट करिए, ये आपका कितने का हो जाएगा, आपका 17 का हो जाएगा डिवाइड बाई 24 का हो जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल है जिसके ए सी अपन पी आर की वैल्यू 12, तो 12 से कट करिए तो 2 से कट करिए 8.5, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 8.5 आपका आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि रामू इन्वेस्ट करता 8% सिंपल इंटरेस्ट पर और गरो आप कर लेता 820 रुपये 8 साल, ठीक है, अगर सेम सम तो 20% इंटरेस्ट पर आएगा 10 साल के लिए कितना होगा। बोला कि 820 रुपये 8 साल में ले लेता, तो 8% के हिसाब से, तो 8 गुना 8 मतलब टाइम इंटू रेट अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये सही आ जाएगा, तो 64 रुपये डिवाइड बाई 100, तो मतलब टोटल अमाउंट कितना है, 164 की वैल्यू यहाँ पर 820 रुपये कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि इसको हम प्रिंसिपल मानते ही आपका ऐसा ही है, दोनों को ऐड कर दिया तो आपका कितना हो गया अमाउंट, हो गया अमाउंट को 820 बना दिया, कितने से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई को 5 किया गया, ठीक है। अब बोला कि 20% और 10 साल का, तो 20 गुना 10 आपका कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, लेकिन इसने बोला अमाउंट, तो यहां से 200 हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना 100, ऐसा ही कितना है 200, तो टोटल कितना हो जाएगा 300, 300 को मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 1500 राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि वॉल्यूम सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर दे रखा है इतना, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है आपका 4πr² होता है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है इसको हटा, तो r² की वैल्यू यहाँ पर दी गई, तो r की वैल्यू यहाँ से रेशियो निकालो 7:9 आ जाएगा, तो वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ होता है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है हटा दो, तो r³ आपने निकालना, तो कितना हो जाएगा 343 और ये आपका 731, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बोला कि एक सॉलिड मेटेलिक ट्यूब है जिसका सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर है, मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, समलर क्यूब बनाया गया, सरफेस एरिया इसका इतना बता दिया, इंच हर एक का इतना है, तो नंबर ऑफ समलर क्यूब बताना है कितना हो जाएगा। तो भाई देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये बोला गया 54 का एरिया है, ठीक है राइट, इससे नंबर ऑफ समलर क्यूब बनाए गए हैं, गुना में कर लीजिए, समलर क्यूब कितने बनाए हर एक का सरफेस एरिया इतना, ठीक। अब देखो अब क्या क्वेश्चन करेंगे, तो भाई अगर सरफेस एरिया पर बात की गई तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को चेंज करते हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम दे रहा, तो कुछ नहीं करना,
सरफेस एरिया से क्यूब में चेंज नहीं करना, वॉल्यूम में चेंज नहीं करना, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना। जो क्यूब में कितने साइड होते हैं? 3। तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर के मल्टीप्लाई कराते हैं बस बड़े वाले में, इतना काम अपने करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 12/8 हो जाएगी। ठीक, चलो देखते हैं अपना ट्राई करके। तो 4 से कट करो, 2, 4 से कट करो, 3, 2 से कट करो, आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 × 3 का स्क्वायर 27 हो जाएगा, पुनः में 27, 2 × 27 का स्क्वायर आपका 729 होता है। ठीक, ये आपका आंसर दे देगा। इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट के बारे में बोले, 15% ऑफ वोट जो है इनवैलिड है, एक कैंडिडेट को 51% मिले हैं वैलिड वोट, तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो इतने हैं, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट को कितने मिलेगा? चलो, अगर 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। बोला कि 15% इनवैलिड है, हटा दो, कितने हुआ? 85%। तो एक को तो मिला 85 का, 52% मिला, दूसरे को कितना मिलेगा 85 का? देखो भाई कितना मिलेगा, 52 इधर चला गया तो 48% मिला। ठीक, 48/100 लो, और गुना में कितना किया गया? 8, 80 से मल्टीप्लाई किया, तो 80 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0। 5 से कट करो, तो 5 से कट करो 17, तो से आपका ये 4, 17 चौक कितना होता है? 68। 68 × 48 करो तो 8 × 8 = 64 होता है, लाख में 4 आना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका आंसर। ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करके देखो। तो भाई जो नंबर दिए गए वो परसेंटेज में दिए गए। ठीक है, तो एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय ऑल द 6 स्टूडेंट हिंदी में एवरेज निकालना है, तो हिंदी का एवरेज परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज से अपना सॉल्व करेंगे। तो 90, 90, 80, 100, 100, 70, तो मैं 90 मान रहा हूं, तो 0% तो दोनों का 0 हुआ ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर +10 किया, यहाँ -10 किया, -10 किया, +20, तो ये दोनों कट गए। तो 90 में -10% किया, कितने मतलब एवरेज अगर 90 है तो 90 में 10 कम कर दो, और क्योंकि एवरेज डाउन जाएगी इससे। और डिवाइड बाय कितने कैंडिडेट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैंडिडेट है। डिवाइड बाय 6, 3, 5, 5/3 कितना हो जाएगा? 90 - 1.666 हो जाएगा। ठीक है, 89, 88.33% आप मान के चलो। ओके, इसकी मल्टीप्लाई 120 से करा तो आपका आंसर आ जाएगा 120। तो 3 मान लो, तो यहां से 0 से 0 कट हो जाएगा, तो 12 × 3 = 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, और ये कट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोला है इतना, तो रेडियस ऑफ स्फीयर आपने निकाल रहे हैं। तो चलो देखते हैं, सरफेस एरिया 2 पाई, सॉरी 4 × π इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है 616 में। 4 सेकंड कर दो, 4 × 4 और ये आपका 1, 2, 1, 4, 5, 4, 4, 22 सेकंड करो 7 पे, तो 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 × 7 हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 आ जाएगी, 7 आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि एक आदमी वॉकिंग करता है 4 की स्पीड से किसी डिस्टेंस पर 6 घंटे 15 मिनट में पहुंचता है, कवर करता है सेम डिस्टेंस को साइकिल से 5 घंटे 10 मिनट में, स्पीड ऑफ साइकिल बताइए कितनी हो जाएगी? चलो यहां से पहले वॉकिंग डिस्टेंस निकालते हैं, तो 4 × 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट को हम कर लेते हैं 15/60, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 25/4 हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। इसी डिस्टेंस को इस साइकिल से जा रहा है, तो साइकिल कवर कराइए 5 घंटे 10 मिनट, 1/6, तो 6 × 5 = 10, सॉरी 30, सॉरी 31/6, तो पुनः 6 ऊपर आ जाएगा, तो 25 छिक का कितना होता है आपका? 150/31, 31 से आप कट करो नीचे, 31 अभी में है, तो 31 कितना जाएगा? 31 × 5 = 155 होता है, तो 4 समथिंग जाएगा, तो 4 से जाएगा, तो गलत करो, ये आपका आंसर।
बोला कि 2 की पावर 256 पर डिवाइड किया गया 17 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो चलो देखते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा। तो फिर 2 की पावर है समथिंग, तो हम क्या करते हैं 17 में से 2 की पावर निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगी। तो 2 की पावर जो बनेगा 16 प्लस 1 बनेगा, क्योंकि 2 की पावर है ठीक है। तो इसका मतलब अगर 16 से होता तो कंप्लीट डिवाइड होता। बोले अगर 17 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। सिंपल सी ट्रिक है, ज्यादा सोचना नहीं है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आया भाई खतरनाक आपके लिए ठीक है। बोला कि अगर ये इतना है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकालो इसकी वैल्यू। हम क्या करते हैं सीधा टेन थीटा बनाते हैं, और इधर टेन थीटा की वैल्यू तो लिख लेते हैं 4/3 लिख लेते हैं ठीक है। सभी को टेन थीटा बना दो, कॉस से डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड किया, तो यहाँ तो हो जाएगा 9 tan थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, प्लस में कॉस से कॉस कटा 2 आ जाएगा, अपॉन में 9 × 4/3 माइनस में 2 सॉल्व करना। बस 3 × 3 हो गया, 3 × 3 हो गया, 3 × 12 + 2 = 14 डिवाइड बाय 12 − 2 = 10 कट कर दो 7/5 आपका आंसर। तो भैया अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है कि ए जो है 3 गुना ज्यादा बी कॉस्ट ले रहा है, बी से ए जो है सोल्व कर रहा है 10% लोड, बी सोल्व करता 5/4 अपनी खुद की प्राइस है ठीक है। राइट, सेलिंग प्राइस ऑफ ए अगर इतना है मोर देन, बी से इतना ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालना है कितनी हो जाएगी। देखो भाई बोला कि ए जो है वो बी से 3 गुना कॉस्ट है, तो ए और बी अगर इसकी 100 है तो इसकी 3 गुना हो जाएगी, 300 हो जाएगी ठीक है। बोला कि ए सोल्व करता है 10% लॉस में, तो ये अपने चीज को 10% लॉस में सोल्व करेगा तो 90% में देगा, तो 300 का 90% कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा ठीक है। और बी सोल्व करता है अपने प्राइस को 5/4, तो कट करो इसके साथ मल्टीप्लाई करो 4 × 5 25 25 × 5 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ठीक है, सॉरी 25 × 5 = 125 होता है। डिफरेंस कितना है इनका? डिफरेंस चेक करें, 5 और 6 में से 2 गए 4, 145। और 145 की वैल्यू यहाँ पर 5800 के बराबर दी गई है ठीक है। तो भाई देखिए कितना हो जाएगा, 14 × 4 आपका 56 होता है, 5 से कट करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? अरे सीधा 4 पे तो गया, 4 × 5 = 20, 4 × 256, 56 और 580 तो गया 4 से, तो 40 से मल्टीप्लाई किया गया। तो बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मतलब 300 की वैल्यू निकालने को 40 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12,000 आपका आंसर दे देगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एवरेज वेट ऑफ 40 पेपर का इतना है, 32 का इतना है, तो टोटल निकालना है कितना हो जाएगा? तो 40 × 33 यहां से टोटल आ जाएगा 0 × 4 = 12 और 4 × 2 = 12 ठीक है। 32 × 60 यहाँ पर टोटल निकाल दोगे, 32 × 60 तो करिए 32 × 60 करोगे तो 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 और 1 = 29 टोटल निकालो 0 × 4 13 × 9 = 22, 22 और ये आपका 32 हो जाएगा ठीक है। तो 32 40 टोटल कितना वेट हो गया? तो 40 से 32 से 72 पर देखो सारे 4 की लाइन में, तो 72 चौक कितना होता है? 288, 4 कितना बचा? 360 बचा, तो 5 है, तो 45 वापस सीधा कट हो गया ठीक है। आगे देखो, एक इलेक्शन 2 कैंडिडेट के बीच में हो, अनंत और अनिरुद्ध, अनंत को 55% वोट मिले टोटल वैलिड के, उसमें से 20% इनवैलिड है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट अगर इतने हैं तो वैलिड वोट ऑफ अरविंद कितने लेगा? तो आप ये भी जस्ट करवाए क्वेश्चन, ये अपने आप प्रैक्टिस के रूप में करोगे बिल्कुल एजी टीचर ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ये आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट, अगर ना ही समझ तो पूछ लेना ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट।